गुड इवनिंग महेश, वेलकम टू टैक्स 10। वी विल सी हियर 10 टैक्स एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द डे बैक टू बैक। सो लेट्स गेट स्टार्ट। रिजेक्शन ऑफ जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले नॉट वैलिड, एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन एप्लीकेबल। अलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो डिपार्टमेंट का नोटिस था उसको रिजेक्ट किया है, बिकॉज जो डिपार्टमेंट ने रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया था ड्यू टू डिले इन फाइलिंग द एप्लीकेशन। बट वो पीरियड में जो एसएससी है एप्लीकेंट है उन्होंने 31 मार्च 2021 को फाइल किया था रिफंड एप्लीकेशन, बट डिपार्टमेंट ने उनका रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया था बिकॉज जो एप्लीकेशन था वो डिले था, विद इन 2 ईयर्स उन्होंने रिफंड फाइल नहीं किया था। बट वो टाइम जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि लिमिटेशन ऑफ पीरियड एप्लीकेबल होता था वो टाइम में ड्यू टू द कोविड, तो वो बिना कंसिडर किए हुए डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था रिफंड एप्लीकेशन। तो इसके लिए अलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है कि ये वैलिड नहीं है और वो रिफंड एप्लीकेशन अप्रूव होना चाहिए। मोर देन 6.63 करोड़ ITR एंड 99.27 लाख स्टेट्यूटरी फॉर्म फाइल्ड ऑन ई फाइलिंग पोर्टल। इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पर अभी तक टिल 15 मार्च 2022 6.63 करोड़ ITR फाइल किए जा चुके हैं और 99.27 लाख स्टेट्यूटरी फॉर्म्स, दूसरे फॉर्म जो होते हैं वो फाइल किए पोर्टल पे। कॉमर्स मिनिस्ट्री में फर्दर एक्सटेंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बियॉन्ड मार्च 31, 2022। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 5 साल में एक बार अमेंड होता है, 5 साल के लिए ये एक FTP पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 15-20 था, उसको ऑलरेडी गवर्नमेंट ने मार्च 2021 तक एक्सटेंड किया हुआ था और अगेन अभी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि उसको एक और साल से एक्सटेंड करेगी। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। DGFT issued amendment in guidelines of ANF-4F of Handbook Procedures 15-20. DGFT ने जो ANF-4F का हैंडबुक है उसको वो गाइडलाइंस उसके लिए उन्होंने अमेंड किया है 15-20। ये DGFT ने ANF-4F हैंडबुक है उसमें अमेंड किया है, वो गाइडलाइंस को अमेंड किया है। ये अमेंडमेंट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर हैज इशूड अ लिस्ट ऑफ GST अपडेटेड टिल मार्च 15, 2022, जनरेटिंग इनवॉइसेस रेफरेंस नंबर। नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर ने GST इशू किया है जो इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट किए है टिल 15 मार्च 2022। चेयरमैन CBIC श्री विवेक जोहरी लॉन्च्ड आधारशिला पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग द HRD रिलेशन प्रायोरिटी एंड टाइमलाइन बाय द जोनल डायरेक्टर हेड। It provides a focused approach to the employee development and infrastructure expansion. The department civil list 2022 will was also released. CBIC chairman Vivek Jori ne Aadharshila portal launch kiya hai to monitor the HRD related priorities aur jo ki journal director head hai wo uske timeline monitor karege. Cooking cream attracts 18% GST. Haryana Appellate Authority for Advance Ruling ने ये decision दिया है कि जो कुकिंग क्रीम होएगा उस पर 18% का GST एप्लीकेबल होएगा। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस एक्सपेक्ट द इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो बाई 9.1% दिस ईयर वर्सेज द 9.5% फॉरकास्ट अर्लियर, फॉलोड बाई 5.4% ग्रोथ इन 2023 ड्यू टू दिस रशिया एंड यूक्रेन वॉर। जो रेटिंग एजेंसी है मूडी, उन्होंने जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको 0.4% से डिक्लाइन किया है एक्सपेक्टेशन। पहले 9.5% का फॉरकास्ट था ग्रोथ का, जो कि अभी ये मूडी ने बताया कि 9.8% एक्सपेक्टेड है इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो 2023 का ग्रोथ रहेगा वो 5.4% 2023 में ग्रोथ रेट रहेगी। ये मूडी का रेटिंग आया है। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर द फिनेंशियल ईयर 21-22 एट ₹13,63,038 करोड़, शोइंग ए ग्रोथ ऑफ ओवर 48.4%। फिनेंशियल ईयर 21-22 का जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो है 13,63,038 करोड़, जो कि 48.4% हायर है प्रीवियस पीरियड से। CBDT इशूड सर्कुलर विथ रिस्पेक्ट टू कैंडलेशन ऑफ डीले अंडर सेक्शन 119(2)(b) ऑफ IT एक्ट इन फाइलिंग ऑफ द 10 IC फॉर असेसमेंट ईयर 2021। असेसमेंट ईयर 2021 के लिए जो फॉर्म 10 IC फाइल करना होता है उसके लिए कंडोलेशन ऑफ डिले के लिए CBDT ने सर्कुलर इशू किया है। ये सर्कुलर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।